कादिर ने अभी से जो है फ्रूट खाना शुरू कर दिया है, मुझे डर है घर तक ही और यही कचरा फेंक रहा है जो हमें साफ करना पड़ेगी गाड़ी। स्कूल जाना नहीं जाना ये वैसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना। जी ये जो पेटी है ये डन हो गई, ये पेटी इसे ऊपर नीचे करके भी जो है वो चेक कर लिया है। ये आपको हम अभी टेस्ट करके दिखाते हैं, इधर इस टाइम पे पानी से देखें आप साफ कर लिया है। वालेकुम, मैं नाम अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद शेख। तो आपको मैं नए व्लॉग में वेलकम करता हूँ और आज मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। मदीना की जो फ्रूट्स की मंडी है वो दिखाऊंगा और ये वक्त जो है फजर के बिल्कुल बाद का है। हम फजर पढ़ के मंडी आ चुके हैं और इस वक्त हम क्यों आए ये सब आपको भी अंदर जाके बताएंगे। इस वक्त के जो सीन्स वगैरह सब अलग होते हैं, तो आ जाए अभी आपको मंडी दिखाता हूँ मदीना। ये आप देख सकते हैं यहाँ की रौनक, इतने ज़्यादा लोग अभी फजर के बाद भी जो है उठ के वो आ गए फ्रूट्स वगैरह खरीदने। ये देखें कितना सब कुछ फ्रेश है, कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में और कितना ज़्यादा रश भी है इस वक्त भी। सब्जियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं और बाकी अब जो लेते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देखें ये ऑरेंज है, ये जो है वो आड़ू है, ये खुरबानी है, ये लीची, ये अपना चेरी है, यहाँ पे ये केले भी मिल रहे हैं, बनाना, ऑरेंज, ये आम भी आया हुआ है पाकिस्तान का। मीठे ना ये भी, ये कितने की है? 2.15 की, 1.5 की। आप रश चेक करें बस, सामान अभी ले लिया है, अभी और भी लेने आगे, ये भी पैसे चेंज करके दे रहे हैं। बाकी मंडी आप देख सकते हैं सारी, ये टमाटर के पैकेट्स हैं सामने जो है वो सब्जियां वगैरह हैं, सब्जियां हैं, टमाटर है, फ्रूट्स है, हर कुछ इधर मौजूद है। सामने शॉप देख रहे हैं, ये शॉप्स वाले जो है वो इस मंडी से ख़रीदते हैं और फिर उधर रख के बेचते हैं। ये सारी जो है वो थोड़ी चीपर है बनिस्बत उन दुकानों को जो आप सामने देख रहे हैं। सारी अनलोडिंग हो रही है, अभी अभी माल आया, सारा बिल्कुल फ्रेश है, सारे फ्रूट्स बिल्कुल ही फ्रेश हैं। सारी कंपनीज़ हैं तो हर कंपनी अपना माल जो है ऑन द बोर्ड रख के फिर जो है वो आगे बेयो करती है, बेचती है। कंपनीज़ हैं जो अपना अपना लाती हैं सुबह के वक्त, बिल्कुल अभी 6 बजे का वक्त है और ये सारा सामान इधर बेच रहे हैं। ये देखें कुछ लोग जो है वो अपने मसले वगैरह सभी लेके आते हैं, जैसे कि ये अंगूर वगैरह बेच रहे हैं। सारे ट्रक से लाइन से आगे तक ना वो एंड पॉइंट तक सारे के सारे ट्रक से सुबह आ जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। अब जो है हम वो आम ढूंढ रहे हैं जो कच्ची केरियाँ होती हैं, तो आपको दिखाते हैं अगर सही प्राइस में मिल जाता है। ये अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की आम जो लोकल होते हैं मदीना मुनव्वरा के करीब जगहों से जो आते हैं। ये देखें ये पेटियाँ हैं, ये पेटियाँ हैं, इसमें 15 किलो आम है और ये इधर का ही है, अलूला का ही है, मदीना से करीब ही है। ये पेटी हमने ले ली है, थोड़ी कच्ची है, थोड़ी पक्की है और ये हमें पड़ी है कितने 35 रियाल की और इसमें 15 kg आम है ये वाला है। अभी हम इसे चेक करेंगे ऊपर से नीचे से अच्छे से। ये जो पेटी है ये डन हो गई, ये पेटी इसे ऊपर नीचे करके भी जो है वो चेक कर लिया है। पर हमने अपनी ये जो यहाँ से हमें सामान खरीदना था वो हमने ले लिया है। मैंने जैसा आपको बताया इसकी प्राइजेज जो है बाकी जो स्टोर्स हैं मदीना मुनव्वरा उनसे थोड़ी सी चीपर है ये, और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी आता है और फ्रेश भी होता है। जैसा आपने देखा सारे ट्रक्स वगैरह अभी अभी जो है वो अनलोडिंग हुआ है, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्रेश अगर आपको लेना तो आप लाजमी है। इसका नाम जो है वो सुखदार है और ये बहुत अच्छी, इधर आपको फ़िश मार्केट भी मिलेगी, पाकिस्तानी सारे मसाले बस सब मिल जाएंगे, पेप्सी की कैरेट वगैरह, मतलब मंडी जो होती है ना हर चीज़ की मंडी, हर चीज़ की होलसेल प्राइस में यहाँ पे मिल सकती है आपको। बाकी मैंने शूट नहीं किया और भी सामान लिया था तो मैंने कहा टाइम थोड़ा सा लग जाएगा तो मैं जल्दी लेता गया। अभी कुछ चीज़ और हैं वो लेते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर आपको मदीना की मंडी अच्छी लगी। ये जो आप अंगूर देख रहे हैं ना ये जो पिकअप ट्रक में है ये ताइफ के अंगूर है। उसका मैंने व्लॉग बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आई कार्ड में लिंक लगा दूंगा। उसकी दो चीज़ें बड़ी फेमस है, एक तो उसके अंगूर और दूसरा उसके अनार। तो अनार का सीज़न नहीं है पर अंगूर मैंने आपको दिखा दिया। स्पेशल क्यों है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ताइफ के एक बाग में अपने हाथों से अंगूर के जो है वो दरख्त लगाए थे, तो इसलिए ये बड़े फेमस है। और यहाँ पे सबसे मीठा यही होता है, इसमें कोई दाना बीज वगैरह नहीं होता और यहाँ पे बहुत अच्छी इसकी मार्केट है। जो मैंने आपको आड़ू दिखाए थे तो वो आप देख सकते हैं, ये आपको हम अभी टेस्ट करके दिखाते हैं। इधर इस टाइम में पानी से देखें आप साफ कर लिया है, बहुत अच्छे मिलते हैं। अब्दुल कादिर ने अभी से जो है फ्रूट खाना शुरू कर दिए हैं, मुझे डर है घर तक ही और यही कचरा फेंक रहा है जो हमें साफ करना पड़ेगी गाड़ी, तो ये घर तक पहुँचेंगे नहीं, सब इधर खा पी के फेंक देगा ये। जैसा कि मैंने आपको बताया हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, तो ये यहाँ पे जो है चिकन भी थोड़ी सी 1-3 रियाल का फ़र्क पड़ता है, पर ये है कि मेन बात यहाँ पे ना फ्रेश मिलती है। तो यहाँ से चिकन, बोनलेस चिकन और चिकन लेते हैं यहाँ से। और ये बड़ी फेमस यहाँ की शॉप है स्वीट्स की, और ज़्यादातर ये ना जो खजूर वगैरह में कुछ अल्टरनेशन करके बेचता है। आपको एक बात बता दूँ, कमाने के लिए हुनर चाहिए होता है। ये अंदर इन्होंने रखा हुआ होता है तलाजा, ऐसे बोलते हैं। ये जो है मुर्गियाँ भी, स्किन वाली भी, स्किन वाली भी, अंडे हैं,
सब कुछ एकदम मौजूद है। यहाँ से हम आलू प्याज दे रहे हैं, यहाँ पे सही मिलता है, तो मैं ये आपको प्रेफर करता हूँ कि आप इन पिकअप ट्रक वालों से आलू प्याज ले लें, ये आपको उधर से सस्ती देगी। ये तीन बोरियाँ देगा 10 में आलू की और प्याज की, तो ये फ़ायदेमंद। पूरा मुँह लाल कर लिया, क्या हो गया, अभी ख़त्म करना है सारा? तो भाई मंडी का काम ख़त्म हो गया है, और आज जैसे आपको पता है हम लोग निकले हुए ज़रा बाहर काम से, तो ना अभी जो टाइम हो गया 7 बज गए तकरीबन, 20 मिनट कम है, तो अब हम नाश्ता भी लेंगे और आपको दिखाते हैं कहाँ से नाश्ता लेते हैं हम। धूप बहुत सख्त चश्मे के बाद भी आँखें नहीं खुल रही, मुझे लगाना पड़ेगा शेड नहीं।